पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से हराया। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 या ज्यादा रन चेज किया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 आईपीएल के 17वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। मौजूदा सीजन में पंजाब की दूसरी जीत है। टीम ने लगातार 2 हार के बाद जीत हासिल की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए। पंजाब ने 200 रन का टारगेट 19.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम ने लीग में 6ठी बार 200 या इससे ज्यादा टारगेट चेंज किया है। पंजाब ऐसा करने वाली पहली टीम बनी। शशांक सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 29 बॉल पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। शशांक ने पहली आईपीएल पहली जमाई है। पहले बैटिंग करने उत्तरी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने 48 बॉल पर नाबाद 89 रन की पारी खेली। साई सुदर्शन 33 रन बनाए। कगिसो रबाडा ने 2 विकेट झटके। हरप्रीत बार और हर्षल पटेल 1-1 विकेट मिला। जवाबी पारी में शशांक सिंह के अलावा पंजाब की ओर से आशुतोष शर्मा ने 17 बॉल पर 31 रन बनाए। प्रभा सिमरन सिंह ने 35 रन का योगदान दिया। नूर अहमद को विकेट मिले। अजमतुल्ला ओमरजाई, उमेश यादव, राशिद खान, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे को 1-1 विकेट मिला। आपको बता दें गुजरात की हार के कारण नंबर 5 पर फिनिशर की जगह विजय शंकर को भेजना गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने नंबर 5 पर विजय शंकर को बैटिंग के लिए भेजा। गिल के इस निर्णय का असर टीम स्कोर पर हुआ। विजय शंकर ने 80 के स्ट्राइक रेट से 10 बॉल पर 8 रन बनाए। इससे स्कोरिंग रेट कम हुआ है और टीम ने होम ग्राउंड पर 20 रन कम बनाए। साहा से पहले ओपनर रिद्धिमान साहा 13 बॉल में 11 रन और केन विलियमसन 22 बॉल पर 26 रन ने भी धीमी बैटिंग की। मिडिल ओवर में दबाव नहीं बना सके। डेथ ओवर में 1 विकेट रन चेंज में पंजाब ने 70 रन पर 4 विकेट गवा दिए। यहां से गुजरात के गेंदबाज मिडिल ओवर्स में दबाव नहीं बना सके। डेथ ओवर्स में भी गुजरात को 1 विकेट ही मिला। अहम मौके पर उमेश ने कैच छूटा। 200 रन का टारगेट चेंज करते हुए पंजाब ने 16 ओवर में 153 रन पर 6 विकेट गवा दिए थे। 17वां ओवर मोहित शर्मा लेकर आए और 3री बॉल पर आशुतोष शर्मा ने कैच आउट का मौका बनाया, लेकिन डीप स्क्वायर में उमेश यादव से कैच छूट गया। जब कैच छूटा तो आशुतोष 3 रन पर खेल रहे थे। बाद में आशुतोष ने 17 बॉल पर 31 रन बनाए। उनकी पारी से मैच का रुख पलटा। मोहित और राशिद जैसे अनुभवी बॉलर्स भी महंगे रहे। गुजरात के गेंदबाज महंगे रहे। ओमरजई यादव और राशिद खान 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए। मोहित ने भी 9.50 की इकोनॉमी से रन दिए। दर्शन नालकंडे को आखिरी ओवर दिया। उमेश ओमरजई और मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज महंगे साबित हुए। इसके बाद भी गिल ने दर्शन नालकंडे को 20वां ओवर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।